नमस्कार दोस्तों, और मैं सांवरिय कंज्यूमर के साथ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझको बोला कि एक बार सांवरिय कंज्यूमर पे दोबारा से हम लोग कुछ बात करें, रिव्यू करें। सांवरिय कंज्यूमर, क्या ये कल का उभरता हुआ एक नया ब्रांड बनने जा रहा है? बात करते हैं इस विषय में, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेज़ आए हैं कंपनी के अंदर, काफ़ी कुछ चेंजेज़ हैं कंपनी के बिजनेस सिनेरियोज़ के अंदर। सोया बीन के जो बिजनेस है उससे निकलकर सांवरिया कंज्यूमर जो है वो अब बेसिकली राइस, बासमती राइस पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। स्पेशली FMCG के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स अब आप सांवरिया कंज्यूमर के ई पोर्टल पे ख़रीद सकते हैं, किसी भी जगह पर आपको डिलीवरी होगी। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में आप सभी को रिकमेंडेशंस दिया था, जब ये काउंटर लगभग 7 रुपये का था, और हमने तब आपको ये सजेस्ट किया था स्टॉक की दिस कुड गिव अ ह्यूज रिटर्न टू यू, और ऐसा ही हुआ। 7 रुपये से ये स्टॉक ने जब चलना शुरू किया आफ्टर आवर रिकमेंडेशंस सजेशंस, उसके बाद इस काउंटर ने नॉन स्टॉप 33-34 का लेबल टच किया विद इन जस्ट 3-4 मंथ्स के अंदर। यानी जनवरी तक ऑलमोस्ट इस काउंटर ने 33-34 का लेबल हिट कर दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट 500% की रिटर्न इस स्टॉक ने आपको केवल 4 से 5 महीने में ही दिए। हमारा जो वीडियो था वो था इस बेसिस पर कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा ये स्टॉक, एंड जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देख के 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ के बीच में स्टॉक को परचेज किया, उनको ऑलरेडी इस काउंटर ने मल्टीफोल्ड रिटर्न तो दे ही दिया है। जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, जो लोग फंस गए, जो लोग स्टिल पोजीशन को बनाए हुए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली फोकस्ड है कि क्या अब सांवरिया कंज्यूमर में कहां तक इसमें गिरावट रहने वाली है, कहां पर इसका बॉटम फॉर्मेशन होगा, क्या हम लोग स्टिल होल्ड करें या एवरेजिंग डाउन करें, या हम फ्रेश पोजीशन को बना सकते हैं। सो दोस्तों, पूरा हम लोग चार्ट के थ्रू बात करेंगे स्टॉक के बारे में, और कंपनी के कुछ विस्बर्क जो कि इक्विटी रिसर्च कंपनी है उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे, और फ्यूचर क्या है कंपनी का ये भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं अतुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा नए, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो हर वीडियो के समय से मिल जाएंगे, जिससे आप सही डिसीजन सही समय पर ले पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सांवरिया कंज्यूमर के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी वेबसाइट दिखाएंगे, जो इसकी वेबसाइट है आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स लिस्टेड है सांवरिया कंज्यूमर्स लिमिटेड के, राइस, दाल, ऑयल, शुगर, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन, पोहा, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। सांवरिया कंज्यूमर का पोर्टल है, ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है, जिसमें कि आप जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्विक डिलीवरी होगी आपकी, एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस रहेगा आपका, कॉम्बो पैक्स भी हैं, ठीक है, नशीरा राइस है, कॉम्बो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कॉम्बो में आपको मिलेगा राइस के स्पेशली है, सिल्क राइस है, दालें हैं आपकी, ठीक है, एंड देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप जाएंगे तो ऊपर से जाकर देख सकते हैं, शुगर में, शुगर पर क्लिक करेंगे देन यू कैन ट्रावर्स द साइट, आप अपना जो भी पिन कोड है वो डालेंगे, ठीक है, जो भी पिन कोड है आपका, द माइक पिन कोड इज द, ठीक है, तो ये पिन कोड हम डालते हैं, एंड पिन कोड डालने के बाद आप देखेंगे जो भी आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, शुगर में, दालों में, दलिया में, मैदा में, तो ये देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट आप जिनको, और धीरे धीरे ये अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स पोर्टल पे। अभी तो पोर्टल स्टार्ट हुआ है जस्ट 2018 में, एंड आई होप कि ये एक इस पोर्टल के थ्रू अपनी इनकम को मल्टीफोल्ड बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि हर आदमी अब घर बैठे ही हर चीज़ खरीदना चाहता है और बाज़ार नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये आपको ई कॉमर्स के पोर्टल के बारे में। इसके अलावा सांवरिया कंज्यूमर, ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने कहा है, डियर सर और मैडम, पर्सुएंट टू द रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया, इन्होंने कहा है कि वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट वर्क रिस्क एंड द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वी आर अटैचिंग द सेम फॉर योर काइंड पर्सुअल, ओके। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस रिपोर्ट को आके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको भी थोड़ा सा
सिंसियरली इसको सुनना पड़ेगा अगर आप लोग संवरे कंज्यूमर के निवेशक हैं या उसमें निवेश करने के प्लान कर रहे हैं। विस्कवर्क सॉल्यूशंस BWS इक्विटी मीटर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट संवरिया कंज्यूमर लिमिटेड फॉर्मली संवरिया एग्रो ऑयल्स लिमिटेड, ठीक है, रिपोर्टेड 22 नवंबर 2018 की। तो चलिए रिपोर्ट में क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। इनका जो एक्सप्लेनेशन है इक्विटी मीटर स्केल है, अगर फंडामेंटल ग्रेड इनको 5 out of 5 मिला तो एक्सीलेंट फंडामेंटल है, 4 out of 5 है तो सुपीरियर फंडामेंटल है, 3 out of 5 है गुड फंडामेंटल, 2 out of 5 मॉडरेट फंडामेंटल एंड 1 out of 5 पुअर फंडामेंटल। वैल्यूएशन ग्रेड ऑफ 5 out of 5 स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है, ग्रेटर देन 25% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, मतलब 25% से ज़्यादा का यहाँ से अपमूव पॉसिबल है अगर 5 out of 5 ग्रेड दिया हुआ है। 4 out of 5 अपसाइड है 10 to 25% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, 3 out of 5 अलाइन 10% है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, 2 out of 5 एंड 1 out of 5, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। इसके नीचे हम लोग और चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इनका एनालिस्ट जो है हमारे निशांत कुमार है, इनका ईमेल आईडी है nishant.k@bri.ms.in। आप किसी को अगर कुछ क्वेरीज हो तो प्रॉब्ली मुझे नहीं पता कि आपको आंसर करेंगे नहीं करेंगे, बट चूंकि इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया तो आप इनको मेल करके ट्राई कर सकते हैं, कुछ अगर आपकी क्वेरीज हो आंसर आता है देन वेरी गुड। एंड दीज आर द फोन नंबर्स ऑफ द विस्कवर्क सॉल्यूशन का। इसके अलावा संवरिया कंज्यूमर लिमिटेड SCL फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग एंड सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड इनटू द बासमती राइस सेगमेंट। फंडामेंटल ग्रेड 3 out of 5 है यानी कि गुड फंडामेंटल्स दिए हुए हैं एंड वैल्यूएशन ग्रेड 5 out of 5 है यानी कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है, जबकि करंट मार्केट प्राइस जो था जब रिपोर्ट तैयार हुई थी 11 rupees का था एंड द फेयर वैल्यू 23 rupees की थी। लेकिन आप सभी को याद होगा जब हमने रिव्यूज़ किए थे या हमने कभी कमेंट्स भी किए तो हमने आपको हमेशा यही बताया कि बिटवीन 8 to 9 संवरिया कंज्यूमर आ सकता है, इट्स अ मोर पॉसिबिलिटीज दैट कि आपको संवरिया कंज्यूमर्स 8 rupees से 9 rupees के बीच में आने वाले समय में मिलेगा, ठीक है। सो NSE एंड BSE संवरिया करके इसका NSE का कोड है, मार्केट कैपिटल 800 crore के आसपास है, एंटरप्राइज वैल्यू 2670 crore की है, 52 weeks 34.75 का है, 52 week 10 rupees 10 paisa का है, प्राइस टू अर्निंग 17.3x है, बीटा 1.46 है यानी कि हाई बीटा काउंटर है, फ्री फ्लोट परसेंट 33% है, एवरेज डेली वॉल्यूम 20 डेज का अगर हम लगाते हैं 1.74 million है, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर तो ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं 2018-19 तक की, ठीक है। यहाँ पर एबिटा पैट एडजस्टेड EPS आप देखेंगे 1.57 है, FY19 ठीक है अर्निंग जो आएंगे इसमें 1.57 है, FY19 1.34, FY18 जो कि गया मार्च तक लगभग 1.15 इसकी EPS थी, तो ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है, कि 1.35 से 1.37 से 57 तक जा सकती है इनकी एडजस्टेड EPS जो है। इसके अलावा ROCE भी लगभग 12.95 से लेकर 12.95% हो सकती है FY19 तक, PE जो रहेगी वो 17.2 और से लेके लगभग 14.6 तक करेक्शन में आ सकती है, यानी कि अभी स्टिल कुछ डाउनसाइड ड्यू है मुझे लगता है, और जैसे ही मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा 8 से 8.5 तक तो PE रेशियो ऑलरेडी कम हो जाएगा इस स्टॉक का, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.1 तक आएगी, और फिलहाल इसकी जो बुक वैल्यू वो हम लोग देखते हैं कि कितनी बुक वैल्यू काउंटर की, लगभग 6.21 की इसकी बुक वैल्यू है, सो मुझे लगता है कि अभी लगभग बुक वैल्यू में और थोड़ा सा गिरावट रहेगी, लगभग आपको 1.3 तक की बुक वैल्यू देखने को मिल सकती है। PE भी लगभग आपको यहाँ पर और कुछ डाउन साइड डायरेक्शन देखने को मिलेंगे, PE में भी अभी 5.19 के आसपास है जबकि EPS 1.85 का ओवरऑल, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल मीटर पर बात करते हैं हम लोग, तो इन्होंने FY15 में सोया मील इनका जो था 74% प्रोडक्शन था जबकि FY18 में आ गया 53% प्रोडक्शन इनका बासमती राइस का है, मतलब अब मेजर जो इनका बिजनेस सेगमेंट हो गया वो बासमती राइस का हो गया FY18 तक। फूड ग्रेन्स 7% था जबकि फूड ग्रेन्स अब जो है वो 22% पे आ चुकी हैं, अदर्स लगभग 19% था, अदर्स जो है वो 5% रह गया जबकि सोया मील्स जो है वो 20% है और बासमती राइस जो है 53% है एंड जो फूड ग्रेन्स है वो 22% है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरसीज एक्सपेंशन, इनको US मार्केट में भी एंट्री के लिए परमिशन मिल गई है आफ्टर हैविंग द एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ अमंग द टॉप बासमती राइस प्रोड्यूसर्स ऑफ द इंडिया। We believe SCL is at the cusp of the new phase. The company has generated good cash flow
for the last 3 years on account of growth in the basmati rice segment. Now the company wants to build on to that. Management plans major capex acquisition and the expansion into the new geographies, domestic as well as the international in the coming years. मतलब ये कुछ expansion और acquisition के planning कर रहे हैं in the next 2 years के अंदर, जिसमें domestic भी रहेंगे और international level पर भी रहेंगे. Focus on the direct retail to improve the margins, establish the brand Samarya Consumer Shopee. एक नया brand establish कर रहे हैं ये लोग Samarya Consumer Shopee का. SCL plans to focus on the direct retail through the retail outlets under the brand name Samarya Consumer Shopee. ये लोग रिटेल आउटलेट्स खोल रहे हैं जहाँ पर कि इन्होंने मध्य प्रदेश में अभी तक 50 रिटेल आउटलेट्स खोल दिए हैं और उसके अलावा 2 रिटेल आउटलेट्स इनके महाराष्ट्र में भी हैं. अगले कुछ समय में इनके 10 रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं जो कि जल्दी ओपन होंगे. और मैनेजमेंट लगभग डिसाइड कर रहा है कि 100 रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो ओपन करेगा केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर. एंड देयर आफ्टर इट विल कवर गुजरात. गुजरात स्टेट में जाएंगे ये एंड देन रेस्ट ऑफ द इंडिया. 600 स्टोर्स टोटल इनको खोल रहे हैं द कमिंग ईयर्स में. समरिया कंज्यूमर शॉपी बीइंग अ B2C मॉडल विल हेल्प इन इंप्रूविंग द मार्जिंस. चूंकि जब डायरेक्टली बिजनेस से कस्टमर की तरफ प्रोडक्ट जाता है तो मार्जिंस बढ़ते हैं. बीच के लोग जो होते हैं वो कट जाते हैं एंड वहाँ का जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं मार्जिन की तरह प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है कंपनी के साथ. मार्जिन समरिया कंज्यूमर शॉपी विल इंप्रूव द गुड क्वालिटी गुड विजिबिलिटी टू द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द कंपनी एंड will also provide a significant cross-selling opportunity. Focus on outdoor service through the e-commerce. अब ये आपके घर पर servicing के लिए भी इन्होंने e-commerce का portal बना दिया. And SCL is planning to reach out to the global customers through the outline platform. This will lead to the increase in the sales and will also enable to company to provide the better customer services. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी e-commerce के through multiple लोग अभी जो लोग मध्य प्रदेश में नहीं रह रहे हैं जो जो महाराष्ट्र में नहीं रह रहे हैं जो गुजरात के आसपास नहीं रह रहे हैं उन तक समरिया के प्रोडक्ट की रीच अभी तक नहीं थी. अभी नॉर्थ इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ इंडिया, वेस्ट, साउथ ईस्ट, किसी भी जोन में आप ई कॉमर्स का पोर्टल खोल सकते हैं. जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ऑनलाइन बाय करेंगे एंड समरिया आपको उसको डिलीवर करेगा एट योर डोरस्टेप. सो दिस इज़ ये जो ई कॉमर्स का जो पोर्टल है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा फोकस करेंगे ई कॉमर्स पोर्टल पे आने वाले समय में समरिया ग्रुप, उतना ही ज़बरदस्त ग्रोथ जो होगी वो हमें आने वाले टाइम में और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आने वाले टाइम में इस कंपनी के देखने को मिलेंगे. ओवरसीज एक्सपेंशन एज ए पार्ट ऑफ द जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ओवरसीज द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू एंटर इन द US मार्केट. इट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द US फूड एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सक्सेसफुल एंट्री इन द US मार्केट विल गिव बिग बूस्ट टू द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी. ठीक है, SCL plans to sell its branded product in the USA which will help improve its margin also. The company already has a 100% subsidiary in the Singapore. US में product को sell करेंगे जो भी branded product है तो margins इनके increase होंगे. साथ ही साथ Singapore में इनके एक 100% subsidiary है, हालांकि वो operational नहीं है अभी, but जल्दी ही company इसको operational करने जा रही है और management प्लान कर रही है कि एक अनदर सब्सिडी जो है वो 100% सब्सिडी दुबई में भी इस्टेब्लिश करे, जिससे दुबई में भी ये अपने बिजनेस को जो भी मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, उसमें भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ और वो इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहेगी. डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट एंड परचेज डोमेस्टिक वर्सेज एक्सपोर्ट. तो आप देखेंगे जब परचेज कर रहे हैं 3% एंड और इम्पोर्ट कर रहे हैं आप जो भी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं आपको 2% इंपोर्ट कर रहे हैं और 3% जो डोमेस्टिक में आप इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, साथ ही जो सेल्स की बात आती है तो आप डोमेस्टिक में 83% को डोमेस्टिक जो है वो 83% आप लोग सेल कर रहे हैं और FY18 में 87%, FY17 में 17% जो है वो एक्सपोर्ट किया था मटेरियल जो भी इन्होंने अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे. FY18 में कुछ एक्सपोर्ट कम रहा, 13% तक रहा, बट इन द नियर फ्यूचर एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है US मार्केट में, दुबई मार्केट में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, सो दैट कि उधर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाए. मेन इंपॉर्टेंट थिंग द टाई अप विद द पतंजलि सोया चंक्स. SCL हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड द सप्लाई सोया चंक और द सोया बरी टू देम. दिस विल be sold under the Patanjali brand and SCL will get credit as the manufacturer. This partnership is expected to further boost the top line of the SCL. देखिए मैं सीधे आपको काउंटर के बारे में बताऊं भैया, इतना प्राइस आएगा, इतना जाएगा, फिर वो गिरना शुरू होगा, ऊपर चढ़ना शुरू होगा, तो आपको कंपनी के बारे में एक ब्रीफ पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही है. ठीक है,
लोगों को लगता है कि परसेंटेज डाउन हो रहा है, इनका शेरोडिक पैटर्न डाउन हो रहा है, या ये लोग यू नो अभी इनका रिड्यूस हो रहा है शेरोडिंग, तो वो क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर रिड्यूसिंग द डेट ऑफ द कंपनी. जो भी डेट है उसको रिड्यूस करने के लिए ही कंपनी कहीं ना कहीं लिटिल बिट अपनी माइनर सी स्टेक को सेल कर रही है. ठीक है, अब अभी भी 64% की होल्डिंग सांवरिया के प्रमोटर्स की है. जब तक 50% से ज़्यादा की होल्डिंग सांवरिया ग्रुप की है तब तक वो ही उसके ओनर हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो लॉसेस बुक करेंगे वो वही बुक करेंगे उस केस में भी. ठीक है, तो उनको पता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, दे नो मच बेटर देन अस. हम लोग केवल अजम्पशंस पे, न्यूज़ बेसिस पे जाते हैं और बात करते हैं, बट यहाँ पर हमें कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कंपनी क्या कर रही है. मैनेजमेंट प्लान टू डबल इट्स द राइस प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 500 TPD टन पर डे, मतलब 500 टन पर डे ये लोग अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि 1000 टन पर डे कर रहे हैं, करने का प्लानिंग कर रहे हैं. फॉर दिस एंड रिचिंग कैश, एग्जिस्टिंग कैश फ्लो विल बी यूटिलाइज एंड एडिशनल कैपेबिलिटी कैपिटल विल बी रेज फ्रॉम द मार्केट, और ये कुछ एडिशनल कैपिटल भी रेज करेंगे मार्केट से. देर आर नो प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड इन द नियर फ्यूचर, अभी डिविडेंड देने का इनका कोई प्लानिंग नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो भी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, जो कंपनी अभी अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर रही होती है, वो कंपनीज उस पैसे को एक्सपेंशन में लगाती हैं, वो कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करती है डिविडेंड के माध्यम से. दैट इज़ वाई द कंपनी इज़ नॉट गिविंग डिविडेंड. और केवल सांवरिया नहीं, कोई भी ग्रोइंग फेज की कंपनी होगी जो कि इस समय एक्सपेंशन फेज में होगी, अपने बिजनेस को बढ़ा रही होगी, वो कभी भी आपको डिविडेंड्स नहीं देगी. रिमेंबर इट, मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज 250 करोड़ टूवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी कि 250 करोड़ रुपए ये लोग रेज करने की प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे. एंड अनदर 250 करोड़ रुपीज़ टूवर्ड द एक्विजिशन, और रेस्ट 250 करोड़ रुपए होंगे वो ये लोग कुछ नए प्लांट्स का, नए ब्रांड्स का एक्विजिशन करेंगे. ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो प्रपोज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू ट्यून द 100 करोड़ रुपीज़. आपको पता होगा 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑलरेडी कंपनी ने किया हुआ है लास्ट ईयर, और यू नो 100 करोड़ रुपए से उस समय इन्होंने गैदर किए थे, इकट्ठे किए थे, जिसे इन्होंने डेट रिड्यूस करने में यूज़ किया था. सो प्रोडक्ट बाई कैपेसिटी, बासमती राइस का अगर आप देखेंगे तो FY 16-17-18 में तो 56% से लेकर 75% पहुँच चुका है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो 10% से इनकी जो 25% पहुँच चुका है. ऑयल रिफाइनिंग 21% से 32% पहुँच चुकी है. ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोर प्रोफेशनल एंड द वुमेन मेंबर्स टू बी इंडक्टेड, फाइनेंशियल आउटलुक, ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% CAGR ओवर द FY 18-20. ये कहना कि 15% जो है वो हमारी जो इनकम है वो ग्रो कर सकती है CAGR 18-20 के बीच में. ठीक है, एबिटा टू इंक्रीज, एबिटा मार्जिन ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कैपेक्स प्लान्स डेवलप, बाकी तो ये फाइनेंशियल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, हफली नंबर्स कैसे रहे थे इनके. एंड कैपेक्स प्लान डबल द राइस प्रोडक्शन कैपेसिटी, द कंपनी प्लान्स टू डबल इट्स द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द राइस प्रोडक्शन फ्रॉम 600 TPD टू 1100 TPD टू अचीव दिस मैनेजमेंट प्लान्स टू रेज 250 करोड़ फ्रॉम द मार्केट. तो मार्केट से 250 करोड़ रुपये रेज करने की कोशिश कर रही है इस कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए. पैट एक्सपेक्टेड टू शो हेल्दी ग्रोथ ओवर द FY 18-20. ये कहना है कि पैट ऑफ द कंपनी हैज़ शोन अ वेरी गुड ग्रोथ इन द लास्ट 3 years बैक्ड बाय द इंक्रीज इन द बासमती राइस सेल्स. ग्रोथ इन द पैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द FY 19 एंड द FY 20. ऑल्सो पैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ द 16%. ओके, बाकी आपका रिटर्न रेशो ROCE हो गया, ROE हो गया, ओवरऑल लेवरेज डिक्लाइंस हो गए, मैनेजमेंट ओवरव्यू है ये. सो ये आपको जो भी शीट है, चीट शीट आपको BSE इंडिया के साइट पे समरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने को, एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट पोजीशन. स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ग्रोथ इन द टॉप लाइन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. इट्स प्रॉफिट एज वेल एज द मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड. इट्स लिवरेज ऑल्सो डिक्लाइंड, हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड. वी हैव अप्लाइड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मैथड्स टू वैल्यू द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, कीपिंग इन माइंड द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द SCL एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपेरेबल कंपनीज. वी हैव कंसिडर्ड ए पी मल्टीपल ऑफ 17x एंड द EV डेटा मल्टीपल ऑफ द 10.5. मतलब ये करें लगभग 17 की पी तक पहुँच सकता है काउंटर, तो अगर आप 17 की पी पे जाता है एंड उसके अलावा अगर आप EPS देखते हो 1.34, तो ऑलमोस्ट 17 की पी से अगर 1.34 तो लगभग 21-22 का प्राइस ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं द कमिंग यू नो मंथ्स के अंदर.
ठीक है, प्राइस पर शेयर लगभग 22.78 ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें का जो पी बढ़ेगा इनका वो 17 तक पहुंच जाएगा इनका पी, और ईपीएस 1.34 का एट प्रेजेंट जो है, मुझे लगता है यहाँ पर अपडेटेड नहीं है ईपीएस 1.85 एंड दैट इज दिस इज द अपडेटेड ईपीएस 1.34 ओके ओके दिस विल ब्रिंग डाउन द ईपीएस 1.34 तक आएगा आपका बाई 19 तक, और वहाँ पर जो पी मल्टीपल होगा 17 तक जाएगा, तो उससे टोटल जो बाई 19 तक मार्च अप्रैल तक आप मान के चलिए, या लेटर ऑन और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, 22 से 23 रुपये तक ये काउंटर जा सकता है, ठीक है। ईवी एबिटा मल्टीपल कंसीडर 10.5x, एबिटा आउट ऑफ द सीएल 254.2 है, प्राइस पर शेयर 23.20, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 11 रुपीज़ का है, और ये 23 रुपये पर शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपसाइड पोटेंशियल 109% है, 109% का अपसाइड पोटेंशियल इस काउंटर के अंदर है। सो ये हमने बात किया, और मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहूंगा कि आई एम एक्सपेक्टेड द प्राइस एट लीस्ट 8.8 रुपीज़। मुझे लगता है कि अगर आपको ख़रीदना है ये काउंटर तो आप लगभग 8.5 रुपीज़ का वेट करें, दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एड दिस काउंटर एट द लोअर लेवल। मुझे लगता है 7 रुपये जो कि मैंने आपको सजेस्टेड प्राइस दिया था वो इसका एक एग्जिट स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, 7 रुपीज विल बी द एग्जिट स्टॉप लॉस इन इट इन द समरिया कंज्यूमर, बट जो बाइंग प्राइस आपका रहेगा वो लगभग 8.50 रुपये यानी 8.5 से लेके 8.8 के बीच का हो सकता है, एंड दैट इज द बेस्ट बाइंग जोन ऑफ द समरिया कंज्यूमर। फिलहाल 9.65 है अभी, स्टिल सम मोर करेक्शन इज ड्यू इन द समरिया कंज्यूमर, सो यू मस्ट वेट फॉर द 8.5 टू 8.8 लेवल्स, एंड देन ओनली आप इसमें बाइंग पोजीशन को बना सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी से बाय करिएगा, रॉकेट शेयर नहीं बनने वाला है, वी शेप में कोई नहीं जाने वाला है, मार्केट का सिनेरियो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, तो बेटर है कि जब मार्केट का सिनेरियो बुलिश होगा लगभग 6 से 7 महीने के बाद, तब तक आप लोग SIP मेंटेन कीजिए 100-200 शेयर्स के साथ, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी आपका कंज्यूम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी आपको नहीं होंगे अगर डाउन साइड में 1 या 2 रुपये और नीचे जाता है, लेकिन जब तक आप नेक्स्ट 6 या 8 मंथ के बाद आप देखेंगे तब आपके पास लगभग 800-1000 शेयर्स होंगे, और फिर वहाँ से फिर आप लोग एवरेजिंग डाउन जब करेंगे, हो सकता है उस वक्त मार्केट में शेयर आपको 20 रुपीज़ का पहुँच जाए और आपका एवरेज प्राइस जो वो तकरीबन 9 रुपीज़, 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ हो, एंड जब वहाँ पर आप एवरेजिंग डाउन करेंगे, एवरेज करेंगे 1000 शेयर्स के साथ, तो आपका जो एवरेज प्राइस आएगा वो 13 से 14 रुपये रहेगा, ठीक है। सो दैट विल बी द वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू बाय। तो अभी फिलहाल 100-200 शेयर्स पर मंथ आप परचेज करते रहिए, अगर 200 शेयर्स भी पर मंथ परचेज करते हैं तो नेक्स्ट 5 to 7 months के अंदर आपके पास मोर देन 1000 शेयर्स हो जाएंगे विद अ गुड प्राइस लेवल, बहुत अच्छे प्राइस लेवल पे आपके पास वो शेयर्स होंगे, एंड वंस द बुलिश मार्केट विल स्टार्ट, वंस द माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड द मिड कैप काउंटर्स विल स्टार्ट राइजिंग, देन समरिया कंज्यूमर डेफिनेटली विल गिव ए बूस्ट, और आपको वापस ये स्टॉक अच्छे बेहतरीन रिटर्न देगा। इक्विटी रिसर्च के हिसाब से अगर मानते हैं तो अगला टारगेट 23 रुपीज़ का आ सकता है, मैं एग्री करता हूँ, बट कोई भी वी शेप में एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट द काउंटर विल गिव अ ग्रेट रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर्स, लाइक अगले 1 या 2 साल में आपको शानदार रिटर्न्स मिलने वाले हैं। समरिया कंज्यूमर में एक ब्रांड फॉर्मेशन हो रहा है, और जब कोई ब्रांड फॉर्मेशन होता है तो वही लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं, वही लोग कहते नहीं कि जब कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही होती है, बन रही होती है, तो उस कंपनी में जो लोग उस समय उसको ऊपर बिलीव रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उस वक्त अपना खून पसीना बहाते हैं उस कंपनी को बढ़ाने के लिए, वही लोग उस कंपनी के अच्छे दौर में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि समरिया कंज्यूमर में आपको किस तरह से निवेश करना है, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं, कितने टाइम के लिए परचेज करने हैं, कितना बड़ा रिस्क आप बेयर कर सकते हैं, और किस प्रॉफिट पर आपको एक्सपेक्टेशन है या क्या प्रॉफिट आप उसमें बुक करना चाहते हैं। ये सभी स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी काउंटर में 8.5 आने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा, मुझे लगता है कि तब तक आपके पास एक पर्याप्त समय होगा आपकी स्ट्रेटजी तैयार करने में, लेबल्स तैयार करने में, और उसके बाद आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस काउंटर के अंदर बाय करना स्टार्ट कीजिए एंड होल्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 years, एंड आई एम डैम श्योर दिस काउंटर विल गिव अ मल्टी फोल्ड रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये हमने बात किया समरिया कंज्यूमर के बारे में, उम्मीद करते हैं समरिया कंज्यूमर
क्या ये कल का उभरता हुआ एक नया ब्रांड बनेगा, बनने जा रहा है? इसमें से डेफिनेटली ये क्या शब्द है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा और आने वाले समय में आपको ये टाइटल्स मिलेंगे, संवरे कंज्यूमर, कल का उभरता हुआ एक नया ब्रांड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।